ये सीएलयू वाला बड़ा इंटरेस्टिंग समझ में, वो लुधियाना वाले भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया, अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं उसका फिर सीएलयू क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो सीएलयू ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ऊपर पहुंचाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि मंत्री तक पैसा पहुंचेगा और मंत्री फिर ऊपर मुख्यमंत्री तक। तो ये सीएलयू का धंधा बंद करेंगे। जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फोकल पॉइंट्स हैं, जहां पे जमीन को, उस एरिया को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आप इंटीमेट कर दीजिए, मैंने ये जमीन खरीद ली, बस दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, देयर शुड नॉट बी एनी परमिशन। ये सीएलयू वाला बड़ा इंटरेस्टिंग समझ, वो लुधियाना वाले भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया, अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं उसका फिर सीएलयू क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो सीएलयू ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ऊपर पहुंचाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि मंत्री तक पैसा पहुंचेगा और मंत्री फिर ऊपर मुख्यमंत्री तक। तो ये सीएलयू का धंधा बंद करेंगे। जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फोकल पॉइंट्स हैं, जहां पे जमीन को, उस एरिया को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आप इंटीमेट कर दीजिए, मैंने ये जमीन खरीद ली, बस दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, देयर शुड नॉट बी एनी परमिशन।